मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद पार्टी के नेताओं का दर्द सामने आने लगा है और वहीं बीजेपी के नेताओं के विवादित बोल भी सामने आ रहे हैं। माहेदपुर से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि जिन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को हराया है वो एक महीने के अंदर नहीं रोए तो मुझे बहादुर सिंह मत कहना। बहादुर सिंह का कहना है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक बने हैं वहां एक महीने के अंदर गुंडागर्दी, बेईमानी और हफ्ता वसूली चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले अर्चना चिटनीस जो शिवराज सरकार में मंत्री थी वो अपने विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर के वोटरों का शुक्रिया जताने के लिए बुलाए गए सम्मेलन में कहा कि जिन्होंने मेरी पार्टी के खिलाफ काम किया है कल रात को लोग सो नहीं पाएंगे। जिसने भी किसी के बहकावे में आकर बरगलाने पर या मन से मुझे वोट नहीं दिया उनको रुलाना दिया तो मेरा नाम चिटनीस नहीं। इसी फहरिस्त में भाजपा के एक और नेता हैं जो विधानसभा की स्पीकर रहे डॉक्टर सीता शरण शर्मा, जिन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में संगठन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाया। वहीं उनका कहना है कि कई जगहों पर पार्टी के बागी मैदान में डटे थे लेकिन संगठन उन्हें समझाने में नाकामयाब रहा। आपको बताते चले कि शिवराज सरकार में मंत्री रहे यशोधरा राजे सिंधिया और जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर चंबल में मिली करारी हार के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी हार का जिम्मेदार बताया है और कार्यकर्ताओं की बैठक में पवैया ने तोमर का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े तबके के लोग अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले रहे हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।